नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिनफो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बता रहा हूं जिससे आप डिश टीवी आराम से आसानी से सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डिश टीवी की सेटिंग एक ऐसी होती है जो दो सेटेलाइटों पर सेटिंग होती है। और मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा डिश टीवी सेटिंग करने का तरीका, क्योंकि दोस्तों अगर आज ये सेटिंग सीख गए तो दोस्तों आपका डिश टीवी आप एक मिनट में चुटकियों में कर सकते हो बिल्कुल डीडी फीड्स के साथ। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सेटिंग बताने जा रहा हूं, और यहां आप देखना चाहो तो मैंने पूरा सेटअप लाइव कर रखा है। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं और मैं आपको छत पर लेके चलता हूं और पूरा सेटिंग पूरा सेटअप देखिए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि डिश टीवी को हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों लाइक करना ज़रूर ना भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और इस वीडियो से दोस्तों आप डिश टीवी की सेटिंग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों छत पर चलिए दोस्तों, यहाँ हम छत पर आ चुके हैं और ये हमारा डिश एंटीना है वीडियोकॉन डीटीएच का। और यहाँ हम आपको डिश टीवी सेटिंग करना बताएंगे कि कैसे आप डिश टीवी सेटिंग करें। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिश टीवी अगर आप सेट करने जा रहे हो तो डिश टीवी आपका दो फ्रिक्वेंसी पर सेट होगा। कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है तो वो आपको फ्रिक्वेंसी पहले आप देख लो, और फिर हम कैसे डिश की सेटिंग करते हैं, कैसे उसका LMB स्क्रू एंगल मिलाते हैं, तो जानकारी के लिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना। दोस्तों मैं आपको यहाँ ऐसी सेटिंग बता रहा हूँ जिससे आप डिश टीवी एक बिल्कुल सिंपल तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। आपको जो LMB का पोजीशन रखना है तो ये आपका जीरो है, ये जीरो से आपका ये पहले ये जीरो मिला लो, जीरो से जीरो आप ये मिलाओगे ना, तो जीरो से जीरो मिलाने के बाद में आप LMB को ऐसे घुमाओ, यानी आपका -28 LMB स्क्रू एंगल रहना चाहिए। अब देख सकते हो आपका डिश टीवी का ये स्क्रू एंगल जीरो है और यहाँ 25 है, इसके पास में 28 है, तो यहाँ आप -28 पे रखना। अब सबसे पहले अगर आप डिश टीवी सेटिंग करने जा रहे हो तो LMB का स्क्रू एंगल आप देख सकते हो इस टाइप से LMB रहेगी, और जो पहले आप DD फीड इस पर सेट करना। अब जो फ्रिक्वेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ मीटर में, ये मेरा मीटर ऑन है और यहाँ जो मैंने फ्रिक्वेंसी यूज करी है वो मैं आपको बताऊंगा, और कितने कितने परसेंट सिग्नल आपको यहाँ रखने हैं। पूरा वीडियो देखोगे तभी दोस्तों आप समझ पाओगे कि डिश टीवी की सेटिंग बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए दोस्तों, फ्रिक्वेंसी 110.90/29.500 पॉलिटी वी आपका रहेगा, ये फ्रिक्वेंसी आपको रखनी है। सबसे पहले आप इसी फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल सेट करोगे। अब ये मेरा डिश एंटीना है, डिश एंटीना को मैं धीरे धीरे घुमाऊंगा। आप कभी भी डिश एंटीना को जल्दबाजी से घुमाना मत, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो डिश एंटीना आपका सेटअप नहीं होगा। धीरे 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 आप घुमाओगे। देखिए दोस्तों, मैं आपका डिश एंटीना घुमा के बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप डिश एंटीना घुमाओ ऐसे ऐसे। ये देखिए दोस्तों, DD फीडर्स के सिग्नल मिल गए, आपको पता है मीटर बोल गया, और इसी जगह हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और DD फीड्स के सिग्नल में आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए डिश एंटीना बिल्कुल सिंपल तरीके से सेटिंग हुआ है, और DD फीड्स में आपके सिग्नल आ चुके हैं 13.2 dB। अब इसको आपको डिश टीवी पे करना है, तो यहाँ वापस मैं इसको डिश टीवी का जो फ्रिक्वेंसी है उस पर लेता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने डिश टीवी पे किया तो मेरा डिश टीवी सिग्नल ऑटोमेटिक आ चुका है, यानी इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा ताकि मेरा डिश टीवी का सिग्नल कम है तो वो बढ़े, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए सेटिंग आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और इसी सेटिंग से दोस्तों आप करना। अब यहाँ आप डिश देखना कैसे मैंने घुमाइए, अभी देखिए थोड़ा सा मैंने डिश को नीचे किया और थोड़ा सा एडजस्ट किया, ये देखिए अब यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ डिश टीवी के लिए। ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि दोस्तों जो फील्ड में बंदा काम करता है ना, और देखिए मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप भी दो पैसे कमाओ। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ डिश टीवी के सिग्नल आप देख सकते हो, डिश टीवी की फ्रिक्वेंसी पे 14 dB सिग्नल है। अब मैं आपको DD फीड्स की सेटिंग कर इसमें ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों पे सिग्नल करीब करीब लगभग सेम होने चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपका 9 dB है तो 9 dB नहीं रहना चाहिए। हाँ 9 dB आ रहा है ना, ये 9 dB नहीं रहना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लो। देखो यहाँ से ये थोड़ा सा डिस्क को मैंने घुमा लिया। अब यहाँ आप देख सकते हो डिश टीवी के लिए 11.4 dB हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हो DDFDS का 11.4 dB हो चुका है। और डिश टीवी का जो सिग्नल है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 12.3 dB रह चुका है, यानी दोनों के सिग्नल करीब करीब सेम है। तो आप इस पोजीशन पे अगर आप डिश टीवी सेट कर दोगे ना, तो कभी भी आपका सिग्नल वीक नहीं होंगे, पूरे चैनल आपको मिलेंगे, क्योंकि डिश टीवी दोनों फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल हमें मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक ही डिश टीवी की सेटिंग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको करके बताया है। तो ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को आप थोड़ा लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इतनी अच्छी सेटिंग बताई है और इतना अच्छे तरीके से आपको बताया है, और इतने अच्छे तरीके से दोस्तों आप डिश की सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों दोस्तों ध्यान रखें कि अगर आपको डिश टीवी सेट करना है तो दो फ्रिक्वेंसियों पर सेट होगा। पहला आपका DDFDS पे, जिसका फ्रिक्वेंसी 110.90/29.500, दूसरा फ्रिक्वेंसी है और इसका पॉलिटी वी रहेगा, और डिश टीवी का फ्रिक्वेंसी है 12.688, सिंबल रेट 27,500, पॉलिटी वी आपका रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सेटिंग कर सकते हो।